हेलो, आज स्टार्ट करते हैं मूवमेंट चैप्टर, क्योंकि इसकी एक कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर मूवमेंट चैप्टर का एक वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो वो मूवमेंट चैप्टर का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मूवमेंट तो मूवमेंट होता क्या है? नॉर्मली अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हम अभी एक सिंपली बात करें कि ये सपोज ये कोई वस्तु रखी, ठीक है, अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रही? लीनियर मोशन हो रहा है। जबकि कोई वस्तु रखी होती है और उस पे हम बल लगाते हैं तो उसमें एक लीनियर मोशन होता है, ठीक है। मींस इसका मतलब ये हुआ, इसके जितने भी कण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल एक दूसरे से, ये वस्तु जो है ठोस है, रिजिड है, पर इसके सारे कण आपस में जुड़े हुए हैं। पर जब इस सतह पे हमने रखा तो इसके सारे कण जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, पर जब हम बल लगा रहे हैं तो इस सरफेस से फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हम इस पे बल लगाते हैं तो ये इसमें होता है लीनियर मोशन होता है, ठीक है, रेखीय गति करते हैं। पर अगर हम क्या करें, इसका एक कण या एक इसका कण क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए, ठीक है, दृढ़ मतलब जिसको रिजिड हो जाए। हमने मान लो इसका एक कण ये रिजिड कर दिया, ठीक है, यहाँ एक कण कोई है उसको रिजिड कर दिया। अब जब हम बल लगाएंगे तो ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इस बिंदु के परिता घूमता है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए जरूरी है कि मूवमेंट तब होता है जब कोई वस्तु किसी बिंदु के परिता घूमे, ठीक है। अगर कोई बॉडी है या कोई वस्तु है, जब उस पर हम बल लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई कण फिक्स होगा, और जब वो फिक्स होगा तो वो उस फिक्स कण के परिता मूवमेंट कर घूमता है, तो उसको हम क्या कर बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अगर उसका कोई भी बिंदु फिक्स नहीं होगा तब क्या होगा, इसमें बस लीनियर मोशन होता है, जैसे ये हमने बताया बल लगाया, ठीक, ये लीनियर मोशन होता है। तो हमने क्या मूवमेंट, अब मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, ये कोई बॉडी हो गई, ठीक है, ये एक बिंदु हो गया ओ, ठीक, ये बिंदु क्या है, रिजिड पॉइंट है या रिजिड बिंदु है, ठीक है, दृढ़ पिंड है, दृढ़ बिंदु है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रिजिड पॉइंट है, ठीक, या ये रिजिड कण है, जो भी कह लो। आप इस वस्तु पे ये हम पी बल लगा रहे हैं, अगर इसका इस बॉडी ये जी जो भी ये वस्तु रखी हुई है या ये जो पिंड रखा हुआ है, ये इसका कोई भी बिंदु या कोई भी कण दृढ़ ना होता तब क्या होता, हम जब पी बल लगाते तो ये क्या करता, इस तरीके से लीनियर मोशन करता, ठीक है, रेखीय गति करता। और हो क्या रहा है, इसका एक बिंदु जो है वो क्या है हमारा, इसका एक बिंदु क्या है हमारा, उस वो क्या है, रिजिड बिंदु है, ठीक है, या इसका एक कण क्या है, रिजिड है। जब रिजिड है और यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, तो ये जब जिस बिंदु पे हम इस बिंदु पे पी बल लगा रहे हैं, तो ये इससे जो जुड़े बिंदु होते हैं उसको ये ट्रांसफर करता चला जाता है, इस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है। अब जो ट्रांसफर ये कर रहा है, ये लाइन में हो रहा है, यहाँ ये बिंदु हमारा फिक्स है, इसको इससे मिला दें, ठीक। जब अब हम बल लगा रहे हैं इस लाइन में, ये ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या करता है, इससे यहाँ पे आए तो इससे जुड़े हुए जितने भी कण होंगे उनको क्या करेगा, अपने साथ लीनियर मोशन कराने की कोशिश करेगा, कि
ये सारे कण को कराएं, इसको कराएं, सबको कराएं, सबको कराने की लीनियर मोशन इस तरीके से कराने की कोशिश करेगा, पर होगा क्या, ये तो हमारा फिक्स हो गया, दृढ़ बिंदु हो गया, तब ये क्या, ये मूवमेंट करेगा नहीं, जब मूवमेंट ये करेगा नहीं तो क्या करे, ये हो जाएगा एज ए फिक्स पॉइंट, ये रिएक्ट करेगा कि हम मूवमेंट नहीं करेंगे, जब मूवमेंट लीनियर मोशन नहीं करेंगे, जब नहीं करेगा तो ये क्या होगा, बल लगेगा तो इसी ओ बिंदु के परिता क्या करेगा, ये घूमता है, ठीक है, ये यहाँ से फेंस पे लगता है और यहाँ से यहाँ तक की ये डी दूरी होती है, ये नाम लिख लिया हमने एन, और यहाँ पे जहाँ पे बल लगा रहे हैं वो ए है, ठीक। तो जो फिक्स बिंदु पॉइंट होता है उसके जो बल लगाते हैं वो क्या होता है, उसके परिता घूमता है, तो ये हमारा होता है मूमेंट। अब इसको अगर हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो आघूर्ण या मूमेंट क्या हो जाएगा, एम बराबर एफ इंटू डी, मीन्स बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, बल क्या है इसमें लग रहा है, पी है, लंबवत दूरी ओ से क्या है, डी, ठीक है, यहाँ पे हम पी बल लगाएं, मान लो एफ लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ इंटू डी, ठीक। तो मूवमेंट क्या होता है, किसी वस्तु पे, किसी वस्तु का एक बिंदु फिक्स हो और उस पर हम बल लगाएं तो बल क्या होता है, उस बिंदु के परिता दृढ़ या रिजिड बिंदु के परिता क्या करता है, मूवमेंट करता है, घूमता है। तो जो बल होता है और उस बिंदु से जिस पॉइंट जिस लाइन से बल गुजरता है वहां से दूरी, वो उसका क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। अब बल का और हम बात करें, अब इसमें एक और भी आगे चैप्टर में उसकी उसका यूज होता है कि जो बल का डायरेक्शन क्या होती है, मान लो एक ये पिंड है, ठीक, हम बल लगा रहे हैं, ये फिक्स हो गया, ये हम एफ बल लगाएं, एफ बल लगाएंगे तो ये ओ बिंदु के परिता इस तरीके से मूव करेगा, तो ये क्या, किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अगर हम बल यहां एक नीचे से एक बल एफ ये लगाएं, ठीक है, तब भी क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, पर हम क्या करें, एक बल लगाएं ये एफ, नीचे बल लगाएं, तब ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो ये मिस घड़ी की अपोजिट दिशा में, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है उसको, क्योंकि हर बुक में अलग अलग दिया होता है, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा, आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। जैसे कोई भी बुक हमने एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव। अब क्या करना है, पूरी तुम्हें मैकेनिक्स में, होल मैकेनिक्स में यही यूज करना है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन की बात, अब इनको तीन भागों में बांटा गया, पहला है टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट क्या होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें टर्निंग मूवमेंट की, तो टर्निंग मूवमेंट वो होता है कि किसी
बिंदु मीन्स आलम्ब हो उसके परिता वो क्या करे, मूवमेंट करे, तो वो हमारा कहलाता है टर्निंग मूवमेंट। सपोज एक स्केल हो, जिसे एक आती स्टील की स्केल आती है, तो उस स्केल में क्या होता है, इस तरीके की स्केल होती, यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है, इस छिद्र को क्या करते हैं, एक दीवार में कील लगी हो और उस कील में उस कील में इस छिद्र को पुल करा दें, ठीक है, हैंग करा दें, हैंग हो गई। अब जब हम ये, फिर हमारा ये हो जाएगा आलम्ब। अब हम यहाँ पे क्या करें, एफ बल लगाएं, तो ये क्या होता है, इस बिंदु के परिता जो आलम्ब है, मान लो इस बिंदु के परिता, ये क्या करता है, इस तरीके से मूवमेंट करता है। ये हो गई हमारी डी, ठीक है। तो क्या करता है, किसी बिंदु के परिता टर्न करता है, तो इसको बोलते हैं टर्निंग मूवमेंट, ठीक। दूसरा है बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या क्या करते हैं, इसके एक सिरे को फ्री कर देते हैं, दूसरे सिरे को फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो ये कोई रॉड है, इसका एक सिरा हमने फिक्स कर दिया और इसका दूसरा सिरा हमारा क्या है, फ्री है। अब इस फ्री सिरे पे ये एफ बल लगा रहे हैं, ये तो फिक्स है, ये फ्री है, यहाँ से डिस्टेंस डी हो गई, ये फिक्स है, तो ये क्या करेगा, इसके कड़ जो नीचे के कड़ होंगे वो सारे फिक्स रहेंगे। जब हम बल लगाएंगे तो ऊपर के सारे कण क्या रेखीगत करने की कोशिश करेंगे, पर नीचे के फिक्स हैं, तो ये रेखीगत कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, इस तरीके से बेंड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तीसरा है हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट में भी क्या करते हैं कि हम इसके एक एंड को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा फिक्स कर दिया गया, ठीक, ये फिक्स कर दिया गया, ये कोई क्या है, रॉड है, ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बल लगा रहे हैं पी, ठीक है, तब ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, मीन्स इसको हम क्या कर रहे हैं, जिसे हम क्या करें, ये स्केच है हमारा, और इसको क्या कर दें, ये फिक्स कर दें। अब हम ये बल लगाएं, इस तरीके से बल लगा रहे हैं, ठीक है, जब इस तरीके से बल लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, इसका ये एंड फिक्स है और इस एंड के कड़ क्या है, फ्री हैं। जब बल लगाएंगे तो ना तो ये किसी बिंदु के परिता घूमता है और ना ही बेंड होता है, ये क्या करता है, ट्विस्ट करता है, मुड़ता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलने के बाद क्या करते हैं, एक साइड पकड़ लेते हैं, दूसरे साइड से फोल्ड करते हैं, तो वो क्या होती है, ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मरोड़ उत्पन्न होता है, तो उसको ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट को अगर ज्योमेट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करें, एक त्रिभुज बना लें, ठीक, ये त्रिभुज बन गया,
ये इसका ओ बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और इस पे ये पी बल लग रहा है। अब क्या करें, इस ओ बिंदु से इस पे लंब डाल दें, लंब डाल दिया, इसको आगे बढ़ा लो, ये हो गया हमारा बिंदु, हो जाएगा ये के, ठीक है। अब क्या करें, पी बल का ओ बिंदु पर आघूर्ण निकालें, बल पी का ओ पर आघूर्ण क्या हो जाएगा, क्या होता है, अभी हमने ये किया था बल गुणे लंबवत दूरी, बल पी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी इसमें, ओके, ठीक है। तो पी क्या है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो ये ए बी, ए बी इंटू ओके, ठीक है, ये इक्वेशन वन होगी। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से इसको निकाल लें तो त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ए वन बाई टू आधार गुणे लंब, आधार क्या हो जाएगा इसका, यही है ए बी, और लंब इसका क्या है, ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में देखो और इक्वेशन सेकंड देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट ठीक है। अब इस इक्वेशन सेकंड में देखो कि इस इक्वेशन सेकंड जो है हमारी, इसमें ए बी इंटू ओके की वैल्यू निकल आएगी, किस तरीके से, ए बी इंटू ओके बराबर टू उधर चला जाएगा, टू इंटू त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, अब इसको इक्वेशन वन में पुट कर दें, ठीक है, बल पी का ओ पर आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ए बी इंटू ओके, और ये निकल के आया ए ए बी इंटू ओके की जगह पे ये टू इंटू त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या निकल के आया, अगर हम किसी त्रिभुज का मूवमेंट निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, किसी बिंदु के परिता आघूर्ण उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो, उस आघूर्ण जो होता है किसी बिंदु पर आघूर्ण अगर हम निकालेंगे तो उस क्षेत्रफल के दो गुने के बराबर होगा, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरेग्नान की थ्योरम। वेरेग्नान्स थ्योरम, ठीक है। वेरेग्नान्स थ्योरम क्या कहती है, वेरेग्नान्स थ्योरम क्या कहती क्या है कि वेरेग्नान्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किन्हीं दो समतलीय बलों का उनके समतल में स्थित एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणित योग उसी बिंदु के सापेक्ष
उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। वेरिग्नान थ्योरम का कहने का मतलब है किसी एक समतल, मतलब ये एक समतल है, इस समतल की खाली बात करें, असमतलीय मतलब अलग अलग समतल, अलग अलग समतल मतलब एक ही समतल हो जाएगा तो दूसरा ये हो, दूसरा जैसे एक सेकेंड, ये जैसे है ये एक समतल हो जाएगा, समतलीय हो जाएगा। असमतलीय मीन्स एक ये तल, दूसरा ये तल, तीसरा ये तल, ठीक, अलग अलग तल, तो उसको असमतली बोलते हैं। समतली मतलब एक तल, इसकी बात कर रहे हैं तो समतली, एक समतल की बात हो रही है, तो दो समतलीय बल, एक समतल में दो बल एक ही बिंदु पे इस प्रकार लगे कि उन दोनों का आघूर्ण निकालें, आघूर्ण निकालने के बाद उन दोनों के आघूर्ण का को का बीजगणितीय योग करें, मीन्स जोड़ें, ठीक है, और फिर उन दोनों बलों का जो परिणामी हो उसका आघूर्ण निकाल लें, तो क्या होगा, जो पी क्यू दो बल अगर हम लगा रहे हैं उनका जो आघूर्ण होगा, ठीक है, उनका आघूर्ण निकाल 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 के और जोड़ेंगे, जो निकल के आएगा उसके परिणामी, जो परिणामी होगा, परिणामी का आघूर्ण निकालेंगे उसके बराबर आएगा, ये कहती है वेरिग्नान थ्योरम। ठीक, मीन्स अगर ये अगर कोई समतल में दो बल लगे तो उनका आघूर्ण निकालो, एक ही बिंदु पे निकालना है सारी चीज़ों को, एक ही बिंदु पे सारे बल, दो बल लगे, मान लो पी क्यों दो बल लग रहे हैं, ये मान लो एक समतल हो गया, इस पे दो बल समतल में एक बिंदु हो गया, एक ये बल लग रहा है, दो एक ये बल लग रहा है, अब इन दोनों बलों का आघूर्ण निकाल लें, फिर इसका बीजगणितीय योग कर रहे हैं, मान लो ये इसका एक परिणामी है, इसका आघूर्ण निकाल लें, तो इनका इनका जो आघूर्ण निकाल के सम किया गया है और इसका आघूर्ण, ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये कहती है वेरिग्नान थ्योरम। अब वेरिग्नान थ्योरम जो है इसको तीन केस में बांटा गया है, ठीक है, तीन केस, पहला केस क्या हो जाएगा, केस वन, केस वन ये कहता है कि अगर किसी समतल में दो किसी समतल के किसी बिंदु पे दो बल इस प्रकार दो बल लगे, मान लो ये एक समतल हो गया, समतल का एक ये बिंदु हो गया, इस पे दो बल लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और दूसरा ये लग रहा है, ठीक, ये मान लो P हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है, दो बल लग रहे हैं P और Q, हम क्या करें, इसको आगे बढ़ा दें और इसको आगे बढ़ा दें, ठीक, ये भी P हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो गया, ये क्यों हो गया, ये हमारा परिणामी हो गया, और ठीक, अब यहां पे हम कोई बिंदु ले रहे हैं ओ, ठीक, इसके परिता निकालना है, और ये बिंदु लिए थे, यहां पे पी क्यों दोनों बल लग रहे हैं, अब इसी समतल में एक अलग बिंदु लिए हैं ये ओ, इसके परिताघूर्ण निकालना है, हम क्या करें, इसको ए बी सी डी, इसको ए से मिला दें, इसको बी से भी मिला दें और इसको डी और सी से भी मिला दें, ठीक है, अब क्या करेंगे, माना बिंदु ओ के सापेक्ष बलों पी तथा क्यू के आघूर्णों का योग, ठीक है, माना बिंदु पी ओ के सापेक्ष पी और क्यू के आघूर्णों का योग करना है, ठीक है, अब एक एक का करो, पहले पी का लिख लो, पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, के सापेक्ष गुण
क्यों का ओ के सापेक्ष गुण। ठीक है, अब ओ का मैं पी का ओ के सापेक्ष, पी का ओ के सापेक्ष, अब देख लो ये ओ के सापेक्ष निकालना है, ये त्रिभुज देखो ए बी ओ, ठीक ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी ओ, इसमें ये पी आ गया, त्रिभुज बन गया। अब ये त्रिभुज बन गया था, त्रिभुज वाला जब त्रिभुज की हम बात किए थे, त्रिभुज में हम मोमेंट निकाल रहे थे, किस तरीके से निकाल रहे थे कि पी का ओ के सापेक्ष निकाल रहे थे, तो क्या हो गया था, इसका पूरे का क्षेत्रफल हो गया था, ठीक है, क्षेत्रफल के 2 गुना, तो इसका पूरा क्षेत्रफल लिख दो, ए बी ए ओ बी, ठीक है, 2 गुणे ए ओ बी, ए ओ बी, यहाँ से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया है, जो निकाला था, वो चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। प्लस क्यों का, तो क्यों वाला बल देखो, ये लग रहा है क्यों वाला, ओ के सापेक्ष निकालना है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ए ओ डी, तो ये आघूर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर हो जाएगा, क्यों का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, क्यों का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, 2 गुणे इसका क्षेत्रफल लिख दो, त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो त्रिभुज ए ए ओ बी ये किसके बराबर है, ये त्रिभुज ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, जब किसी किसी दो दो त्रिभुज एक ही आधार पे बने हों, तो वो त्रिभुज का दोनों का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, ये आधार है ए ओ बी और ए सी बी, दोनों का आधार एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बी के, त्रिभुज ए ओ बी इक्वल हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अब इसमें देखो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होता है तो इसमें ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होता है, ठीक है, तो त्रिभुज ए, क्योंकि इन दोनों का विकर्ण एक सेम होगा, विकर्ण जो होता है, या कहा जाए इसकी इस वाले त्रिभुज के लिए आधार रेखा भी यही है, इस वाले त्रिभुज की आधार रेखा भी यही, इसलिए बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है, मीन्स ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है, ये वाला हमारा ये त्रिभुज इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये त्रिभुज इसके इक्वल हो गया, ठीक है, इसके इक्वल, तो 2 × त्रिभुज ए सी डी प्लस 2 × त्रिभुज ए ओ डी, अब इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, 2 त्रिभुज ए सी डी प्लस त्रिभुज ए ओ डी, ठीक है। अब इसमें देखो त्रिभुज ए सी डी, ठीक, ए सी डी प्लस ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में जोड़ दिया गया है, अब जब जोड़ दिया गया तब क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी बन जाएगा। अब ए ओ सी जो बना है 2 × ए ओ सी, ए ओ सी,
अब आर के परिता आघूर्ण निकाल ले तो क्या निकल के आएगा, अगर हम निकालें इसके ज्योमेट्री कल, तो 2 इंटू ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी, यही निकल के आएगा। अप्रूव हमने क्या कर दिया, वही मीन्स ये क्या हो जाएगा, आर का ओ के सापेक्ष घूर्ण या अघूर्ण, अघूर्ण लिखो या घूर्ण लिखो। अब वैरगनान थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर किसी किसी समतल में किसी बिंदु पे दो बल लग रहे हैं तो उनका बीजगणितीय, उनका किसी बिंदु के परिता आघूर्ण निकाले तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा आर के बीजगणितीय के योग के बराबर होगा। अब देखो वही हम किए, पी और क्यू का किसी बिंदु के सापेक्ष ओ के सापेक्ष आघूर्ण निकालें, फिर जोड़ दिए, जब जोड़ ले तो वो किसके आघूर्ण के बराबर आ गया, आर के आघूर्ण के बराबर आ गया। मीन्स हमारी जो थ्योरम कह रही थी वो बात सही हो गई, ठीक है, प्रूव हो गया। तो ये हमने पहली कंडीशन जो थी वो प्रूव कर दी कि दोनों बिंदु क्या हों, संगामी। संगामी होता है अगर एक दो बल एक बिंदु पे लगे तो उसको संगामी बोलते हैं, ठीक, तो ये संगामी की कंडीशन होगी। केस 1, केस 2 क्या है, केस 2 है हमारी लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, मींस लाइक पैरेलल फोर्सेस समदिश एक ही दिशा में हो। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये एक हो गया और इसमें दोनों बल लाइक पैरेलल फोर्सेस, मतलब दोनों बलों की, दो बल जो पी क्यू लगे हैं दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक ही तरफ होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए। ये मान लो दो बल लग गए, ये पी हो गया, ये क्यू हो जाएगा और इसका बीच में ये परिणामी हो जाएगा आर, जो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक। और इसी यही मान लो ये धरन है, ठीक है, एक समतल है, ये बिंदु ओ है, इसके परिता हमें कैलकुलेशन करना ए बी सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी वही अल्लाह है कि माना बिंदु ओ के सापेक्ष पी, सापेक्ष बलों पी तथा क्यू के आघूर्णों का योग, आघूर्णों का योग करना है। इसमें भी यही लिखेंगे, पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण प्लस क्यू का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक है, जो इतना पोर्शन तीनों कंडीशनों तीनों केस में एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पी का ओ बिंदु के सापेक्ष, पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी, इसमें बल गुणे लंबवत दूरी वाला लगेगा, ये ज्योमेट्रिकल वाले की काम यहाँ नहीं है। बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल कितना है, पी गुणे लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, ओ ए प्लस दूसरा क्यों लग रहा है, क्यों गुणे लंबवत दूरी ओ बी, ठीक है। अब क्या करें हम, हमको करना ये है कि ये जो दूरियां हमने लिखी हैं इसको हम इस टर्म में तोड़ते हैं जहां पे परिणामी लगा हो उस या उसके रेफरेंस में तोड़ते हैं। अगर ओ को हमको तोड़ना हो ओ ए को, तो ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर के उसमें रेफरेंस में जहां पे आर लग रहा है, ओ सी माइनस ए सी लिख दें, तो बात तो वही हो जाएगी, ओ ए लिखा ओ सी माइनस ए सी, ठीक, ये लिख सकते हैं। अगर हम इसकी क्यू को लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीन्स ओ बी को, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस सी बी, ठीक, आर के रेफरेंस में तोड़ के लिख रहे हैं। अब इन वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पी इंटू
ओ सी माइनस ए सी प्लस क्यू इंटू ओ सी प्लस सी बी। ठीक, अब इसको ओपन कर दो। पी गुणे ओ सी माइनस पी गुणे ए सी प्लस क्यू गुणे ओ सी प्लस क्यू गुणे सी बी। ठीक है, अब इसमें देखो, जब किसी धरन या किसी वस्तु पे दो बल लगे पी क्यू और उस कहीं पे परिणामी, मान लो यहाँ बीच में परिणामी लग रहा है, तो ये दो बल जो होते हैं संतुलन की कंडीशन में तब होंगे जब एक बल दूसरे बल को इक्वल करे, और जहाँ पे परिणामी होगा इसका वहाँ पे अगर दोनों का आघूर्ण निकालें तो बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना। पी का आघूर्ण सी पे निकालें तो क्या हो जाएगा, पी गुणे ए सी, और क्यों का सी पे निकालें तो क्यों गुणे बी सी। ठीक है, मीन्स अगर सी पे निकालेंगे पी और क्यों का आघूर्ण तो क्या होगा, बराबर होता है। ठीक, अब इस चीज को देखो, पी गुणे ए सी कहीं इसमें है, पी गुणे ए सी ये मिल गया, क्यों गुणे बी सी, क्यों गुणे बी सी कहीं मिल रहा है, क्यों गुणे बी सी मिल गया। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है ना यहाँ पे, तो ये इक्वल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पी गुणे ओ सी प्लस क्यों गुणे ओ सी, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, पी प्लस क्यों ओ सी कॉमन मिल रहा है, और पी प्लस क्यों हमारा क्या है, आर आर गुणे ओ सी। मीन्स हमें प्रूव क्या करना था कि इन दोनों का आघूर्ण निकाल के और बीजगणितीय योग करो तो जो परिणामी के आघूर्ण के बराबर होना चाहिए, तो परिणामी के आघूर्ण मतलब प्रूव हो गया, मीन्स परिणामी के आघूर्ण के बराबर आ गया, तो हमारा ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। तीसरी कंडीशन है हमारी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस केस थ्री, अनलाइक ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो हमने भी यहाँ तक वो साइज लंबा हो गया था, थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पहला वीडियो यहीं तक बन पाया था, केस टू तक। ठीक है, केस थ्री हम स्टार्ट करते हैं। केस थ्री क्या होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, मीन्स इसमें क्या होगा, जो बल फोर्सेस लगेंगे किसी समतल पे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे पर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, जैसे ये इसमें दिखाया गया है। ये देखिए, एक लाइन खींचा, ये पी और ये क्यू एक दूसरे के पैरेलल हैं पर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ए हो गया बी हो गया, यहाँ पे परिणामी लगा है इसका सी, आर बराबर पी माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन क्यू है, अगर क्यू इज ग्रेटर देन पी होगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू माइनस पी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन में या फर्स्ट कंडीशन में हमने बताया था, माना बिंदुओं के सापेक्ष बलों पी तथा क्यू के आघूर्णों का योग इज इक्वल टू पी को पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण प्लस क्यू का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, ये चीज उठा के यहीं लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण, पी का ओ के सापेक्ष आघूर्ण लिखो, पी गुणे बल गुणे लंबवत दूरी ओए। ठीक है, अब ये क्या है, प्लस दूसरा बल, प्लस दूसरा बल क्यों गुणे दूसरा बल क्यों है, क्यों इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस क्यू गुणे ओ बिंदु के परितागुण ओ बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी गुणे ओ ए माइनस क्यू गुणे ओ बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने सेकंड केस में भी बताया था कि पी क्यू
बलों का, अगर हम जहां पे परिणामी होता है उस बिंदु पे आघूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उस बिंदु पे आघूर्ण निकालेंगे तो पी का आघूर्ण, क्योंकि आघूर्ण के बराबर हो जाता है, तो इसका अगर यहाँ पे सी पे निकालें तो क्या हो जाएगा, सी पे निकाल लें पी गुणे ए सी इक्वल हो जाएगा क्यू गुणे सी बी। ठीक, और हमने क्या बताया था, ये आगे इसका कंटिन्यू करते हैं, पी गुणे ओ ए, ठीक है, तो इसमें पी गुणे ओ ए, अब ओ ए को जो ये ओ ए और ओ बी है इसको हमको तोड़ना किसके रेफरेंस में है, आर के रेफरेंस में, आर ये यहाँ पे लग रहा है सी पे, इसके आर के रेफरेंस में इसको तोड़ना है। अब ओ ए को तोड़ो, ये ओ ए है, ओ ए को किस तरीके से तोड़ना है आर के रेफरेंस में, ओ ए को तोड़ना है आर के रेफरेंस में, तो हम इसको किस तरीके से आर के रेफरेंस में तोड़ें, ओ सी प्लस सी ए लिख सकते हैं इसको, ओ सी प्लस सी ए लिख सकते हैं। ठीक, ओ बी की भी तोड़ो इसी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ओ बी को, अब ओ बी को किस तरीके से इसी के टर्म में तोड़ना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ओ बी को ओ सी, ठीक है, ओ सी प्लस सी बी, ओ बी को पूरा ओ सी प्लस सी बी में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा, पी गुणे ओ ए, ओ ए की वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगी, ओ सी प्लस सी ए माइनस क्यू गुणे ओ बी की वैल्यू, ए ओ बी की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगी, ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, पी गुणे ओ सी प्लस पी गुणे सी ए माइनस क्यू गुणे ओ सी माइनस क्यू गुणे सी बी। ठीक है, अब यहां देखो पी गुणे ए सी किसके इक्वल था, क्यू गुणे सी बी के, तो पी गुणे ए सी किसके इक्वल था, किस लिए इक्वल था, क्योंकि पी और क्यू का अगर जहां पे परिणामी होता है वहां पे आघूर्ण निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो होता है पी गुणे ए सी और क्यों गुणे सी बी, ये है एक दूसरे के इक्वल है और प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, पी गुणे ओ सी माइनस क्यों गुणे ओ सी, अब क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यों गुणे ओ सी, और पी माइनस क्यों क्या है आर, तो आर गुणे ओ सी क्या निकल के आया, कि अगर पी क्यू दोनों बलों का आघूर्ण निकालो और उसका अलजेब्रिक सम करो तो परिणामी, जो परिणामी का आघूर्ण निकालो उसके बराबर आएगा, तो हमने सम किया, सम करने पे परिणामी के आघूर्ण के बराबर आ गए, ये प्रूव हो गया, ये हमारी होती है वेरिग्नान थ्योरम। अब आगे स्टार्ट करते हैं इसी में, अगला टॉपिक है जनरलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं आघूर्णों की व्यापीकरण प्रमेय, जर्नलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंट। ठीक है, जर्नलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंट या आघूर्णों के व्यापीकरण प्रमेय, तो आघूर्णों की व्यापीकरण प्रमेय क्या होती है, आघूर्णों की व्यापीकरण प्रमेय जो होती है
वो कहती ये है कि किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत कितने ही समतलीय बलों को, अगर कोई बात करें दृढ़ कोई दृढ़ पिंड है, मीन्स जब दृढ़ पिंड वो होते हैं कि मान लो ये एक बॉडी है और इस पे हम जब बल लगाते हैं तो इसमें नगण्य परिवर्तन हो, ना के बराबर हो, तो उसको दृढ़ पिंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक दृढ़ पिंड पर कार्यरत कितने ही समतलीय बलों के, चलो जो थ्योरम कह रही उसके हिसाब से करो, ये हो गया हमारा क्या है, ये दृढ़ पिंड है। ठीक है, कार्यरत कितने ही समतलीय बलों, एक ही समतल है, ठीक है, दृढ़ पिंड का एक ही समतल हो गया, एक सम सम एक कार्यरत कितने ही समतलीय बलों के एक बिंदु समतलीय बलों के एक बिंदु से सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणित योग, कोई एक बिंदु है और इस पर कई सारे बल लग रहे हैं, ठीक है, ये कई सारे बल लग रहे हैं, आघूर्णों का बीजगणित योग उसी बिंदु के सापेक्ष इन आघूर्णों के परिणामी आघूर्ण के समान होता है। इन सबका हम वो निकालें, ठीक है, आघूर्ण आघूर्ण निकालें, ठीक है, वो बिंदु के परिता सबका आघूर्ण निकालें, जैसे मान लो ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, सबका आघूर्ण निकालें, फिर सबका अलजेब्रिक सम करें और उसी बिंदु के सापेक्ष इन आघूर्णों के परिणामी के आघूर्ण के समान होगा। यहाँ पे मान लो ये परिणामी बल लग रहा है आर, इसका आघूर्ण निकालें तो सबका आघूर्ण निकालेंगे, उसका अलजेब्रिक सम करेंगे और इसी बिंदु पे आर का जो आघूर्ण निकालेंगे इसके बराबर होगा। मीन्स कह रहे ये रहा है, ये दूरियां मान लो हो जाएंगी D1 D2 D3 D4 D5 और यहाँ की क्या हो जाएगी कैपिटल D, तो निकालें P1 D1 P2 D2 P3 D3 P4 D4 P5 D5 सबका निकाला, अलजेब्रिक सम किया, जो परिणामी लग रहा है R इंटू D इसके आघूर्ण के बराबर होगा, ये कहती है जनरलाइज थ्योरम। ठीक, ये हमारी कहती है जनरलाइज थ्योरम कि इसके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, और इसको जो हमारा ये होता है, इसके बाद हम बात करते हैं परिणामी आघूर्ण की। परिणामी आघूर्ण क्या होता है, परिणामी आघूर्ण की डिफिनेशन ये कहती है कि जो परिणामी आघूर्ण होता है इसे परिणामी घुमाओ आघूर्ण भी कहते हैं, मतलब रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट भी बोलते हैं परिणामी आघूर्ण को, रिजल्टेंट मोमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामी आघूर्ण, इसको इसका दूसरा नाम है परिणामी घुमाव आघूर्ण, मतलब रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। यदि बहुत सारे बल दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे हों, कोई एक दृढ़ पिंड है और इस पे बहुत सारे ये बल लग रहे हैं, ठीक है, P1 P2 P3 P4, तो एक बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजगणित, एक कोई बिंदु है मान लो, कोई बिंदु एक ले लिया O, इसके सापेक्ष सबका आघूर्ण निकालो, ठीक, सबका आघूर्ण निकालो किसी बिंदु के सापेक्ष, आघूर्णों का बीजगणित योग परिणामी कहलाता है, मतलब इनका सबका आघूर्ण निकालो, मीन्स जैसे ये हमारा हो गया था PD, इसी को मोमेंट बोलते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा P1D1 प्लस P2D2 P3D3 P4D4, तो ये हमारा होता है सिग्मा पी डी। ठीक, मीन्स जनरलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंट ये कहलाएगी कि जितने बल लगे उनका सबका आघूर्ण निकालो, उनका अल्जेब्रिक सम करो और उसके परिणामी का आघूर्ण निकालो, उसके बराबर होगा। पर ये जो रिजल्टेंट मोमेंट है या परिणामी आघूर्ण, ये कहता है कि इस पे जितने भी बल लगे उनका सबका आघूर्ण निकाल के अल्जेब्रिक सम कर दो, वही इसका परिणामी आघूर्ण कहलाएगा। इसकी कई सारी उपप्रमेय भी दी गई हैं। उपप्रमेय जिसे पहली उपप्रमेय है, इसमें कहा गया है कि जो जितने इसमें मोमेंट लगेंगे, जितने ये सब जैसे ये जितने भी हम आघूर्ण निकालें और उसका अल्जेब्रिक सम करें, ठीक है, अल्जेब्रिक सम करें एम, ठीक है, सिग्मा एम अल्जेब्रिक सम करें, जैसे जितने भी बल लगा रहे हैं उनका सबका अल्जेब्रिक सम करें, तो वो जीरो होना चाहिए। दूसरी पर में ये कहती है कि जितने जितना भी ये निकालें, ठीक है, आघूर्ण निकालें, इनका सम करें जीरो हो तो परिणामी भी जीरो होगा। तीसरी पर में ये कहती है कि इनका जो मूवमेंट होगा सबका वो जीरो होगा, ठीक है, ये इसकी तीन उपप्रमेय हैं। अब एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो पहला है सब लीवर, ये एप्लीकेशन हो गया लीवर। लीवर कितने टाइप के होते हैं? लीवर हमारे होते हैं दो टाइप के, एक होता है सिंपल लीवर, दूसरा होता है कंपाउंड लीवर, ठीक है। सिंपल लीवर जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, जिसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन होते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो होते हैं जिसमें हमारा एक तरफ प्रयास भुजा हो, दूसरी तरफ भार भुजा हो और आलंब एक, हाँ, एक तरफ प्रयास भुजा हो, दूसरी तरफ भार भुजा हो और आलंब जो हो हमारा वो क्या हो, बीच में हो, ठीक। जैसे सीसा झूला होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है सीसा झूला, बीच में ये आलंब होता है, इधर बल लग रहा है, इधर एक तरफ एक लोग बैठता है तो दूसरी तरफ दूसरा उठता है, तो बीच में हमारा क्या आलंब होता है और एक तरफ भार भुजा होती है, दूसरी तरफ प्रयास भुजा होती है। दूसरा हो श्रेणी हो जाएगी वो, उसमें क्या होता है, आलंब हमारा किनारे हो जाएगा, ठीक है, ये आलंब हो जाएगा, फुलक्रम हो जाएगा, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, बीच में भार होता है और एक तरफ हमारा क्या होता है, प्रयास लगाया जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्वितीय श्रेणी का। मींस ये बीच में इसको हम फिक्स कर दें, एक तरफ भार लगाएं, दूसरी तरफ प्रयास उठाएं, या तराजू हो गया, ठीक है, वेटिंग वेट नापने की तराजू वो हो गया, बीच में फिक्स कर दिए, एक तरफ प्रयास लगा के मार रख के भार उठाते हैं, तो एक भार भुजा जो जिस तरफ से भार उठाएंगे भार भुजा ये प्रयास भुजा हो जाएगी, तो प्रथम श्रेणी हो गया। द्वितीय श्रेणी क्या हो गया कि उसके एक एंड को फिक्स कर दें, ये एंड फिक्स हो गया और बीच में क्या हो जाए हमारा, ये भार हो जाए और फिर प्रयास लगाया जाए। जैसे तुमने डली काटने वाला सरौता देखा होगा, उसका क्या होता है, ये वाला एंड फिक्स होता है,
बीच में डली को रखते हैं, सुपाड़ी को रखते हैं, उसमें क्या होता है इस तरीके से यहाँ पे प्रयास लगाया जाता है, तब हमारी जो सुपाड़ी होती है वो ब्रेक करती है, तो बीच में भार होता है, ये प्रयास होता है। ये तो द्वितीय श्रेणी हो गई। तृतीय श्रेणी है, इसमें क्या होता है कि फलक्रम किनारे होता है, बीच में प्रयास होगा और साइड में भार होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, इसको फिक्स कर दो। जैसे रोटी बनाने वाला चिमटा सबने देखा होगा, इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। ठीक है, ये एंड चिमटा क्या होता है, ये फिक्स होता है। रोटी बनती है तो क्या होते हैं, यहां से रोटी को उठाते हैं, यहां से भार होता उठाते हैं, बीच में क्या करते हैं हम प्रयास लगा के इस तरीके से रोटी पकड़ते हैं और उठाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, अपनी जगह पर आ जाता है, फिर पकड़ते हैं, तो बीच में भार हो जा बीच में प्रयास हो जाता है और यहाँ से रोटी उठाई जाती तो ये भार हो जाता है। ठीक है, तो ये चिमटा हो गया, तो ये हो गया हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलन। ठीक है, अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं, यांत्रिक लाभ, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ बोलते हैं, वो क्या होता है, W अपॉन P मीन्स भार और प्रयास के अनुपात को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। और इसकी पूरी डिटेल जो लास्ट चैप्टर है मशीन, उसमें हम बताएंगे किस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज आता है। और अगर लीवरेज निकालना हो, लीवरेज तो क्या होती है, प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा, ये हमारा कहलाता है लीवरेज। ठीक है, बेल क्रैंक लीवर की बात करें, बेल क्रैंक लीवर जो होता है हमारा, उसका काम होता है दिशा परिवर्तन के लिए। जैसे तुमने देखा होगा रेलवे ट्रैक होते हैं कि उसमें पहले हमारा, जैसे कहीं से कोई ट्रेन आ रही, उसका ये ट्रैक है, सिंगल ट्रैक है, और जब ये प्लेटफॉर्म होता है तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब जो ये आ रही सीधे, तो सीधे ही आनी चाहिए, जब हमारा जो होता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उसको बुला सकते हैं, 2 पे बुला सकते हैं, 3 पे बुला सकते हैं। इसका ये होता है कि किस पे बुलाना है, वहाँ पे होता है लीवरेज का, बेल क्रैंक लीवर का काम। बेल क्रैंक लीवर का काम होता है दिशा परिवर्तन, बल लगा के दिशा परिवर्तन के लिए, वो होता है इस आकार का होता है। ठीक है, एल आकार का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, ये भार भुजा हो जाएगी W, ये प्रयास भुजा हो जाएगी P, ये आलंब होता है हमारा, ये D हो गया दूरी, ये डी हो गई। ठीक, इसको कैपिटल डी मान लो। तो लीवरेज निकालना हो तो पी बल गुणे लंबा दूरी, यहाँ पे आलंब से निकालते हैं, आलंब ये है, बल गुणे लंबा दूरी क्या है, डी है, W गुणे डी, तो पी अपॉन W डी अपॉन डी, ये क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा, ये लेवरेज हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगी, भार भुजा हो जाएगी, कैपिटल डी, स्मॉल डी क्या हो जाएगी, प्रयास भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेल क्रैंक लीवर। अब हम बात करते हैं आगे हमारा कंपाउंड पर, जो हमारा ये बेल क्रैंक लीवर होता है, इसका काम छोटे मोटे कार्यों के लिए होता है। रेलवे में हमने बताया, तो रेलवे में जो यूज होता है कंपाउंड लीवर यूज होता है। ठीक, खाली बेल क्रैंक लीवर नहीं यूज होता, कंपाउंड लीवर यूज होता है। ये तो खाली सिम अगर छोटे मोटे कार्य रहे दिशा परिवर्तन, उनके लिए यूज होगा, पर अगर रेलवे में होता है, क्योंकि रेलवे में हम वहीं ट्रैक पर बैठ के कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए हमारा एक कंट्रोल रूम होता है, वहां से करते हैं, तो वहां से वहां तक उस लाइन को ले जाने में बहुत सारे लीवरेज लेते हैं, तो उसको कंपाउंड लीवर बोलते हैं। जैसे इस तरीके से ये एक लीवर लगा हुआ है, पिन लगा के दूसरा लीवर लगा दें, फिर
फिर पिन लगा के तीसरा लीवर लगा दें। इस तरीके से ये कंट्रोल रूम है, ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे प्रयास भुजा लगती है, ये प्रयास लगता है और यहाँ से ये भार, ठीक है, भार मतलब उसको ट्रैक को चेंज करने के लिए। और अब इसका अगर हम लीवरेज निकालते हैं, तो इसका अगर हम लीवरेज निकाल लें तो वो क्या होता है, ये पहला लीवर है, ये दूसरा लीवर है, ये तीसरा लीवर है। तो लीवरेज निकालना हो तो पहले लीवर का फर्स्ट का लीवरेज निकालो, दूसरे का लीवरेज निकालो, सेकंड का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का लीवरेज निकाल के आपस में गुणा कर दो, तो वो हमारा टोटल, अगर टोटल लीवरेज तीनों का अलग अलग निकालो, अलग अलग निकाल के हमने गुणा कर दिया, वो हमारा टोटल लीवरेज आ जाता है। यही हमारा रेलवे ट्रैक में यूज होता है, ठीक है। अब एक बचा स्टील यार्ड और लीवर सेफ्टी वॉल्व, ये हम अब आगे लेक्चर में बता देंगे।